नमस्कार, मैं राजेंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं YouTube चैनल की मेरी पहली श्रृंखला किस्से राजनीति के। इस श्रृंखला में मैं आपको भारतीय राजनीति से जुड़े बहुत सारे अनसुने किस्से सुनाऊंगा और बहुत सारे महापुरुषों के जीवन के बारे में हम चर्चा करेंगे। जब भारतीय राजनीति की बात आई है और महापुरुषों की बात आई है, तो सबसे पहले हम उस पुरुष के बारे में चर्चा करेंगे जिसने भारतीय राजनीति को एक नई सोच दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राम मनोहर लोहिया जी का, भारत के पहले राष्ट्रवादी राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 में यूपी के अकबरपुर गांव में हुआ था। 2 वर्ष की ही आयु में राम मनोहर लोहिया जी का माताजी का स्वर्गवास हो गया था। राम मनोहर लोहिया जी का लालन पोषण उनके पिताजी हीरा लाल जी ने किया। हीरा लाल जी पैसे से एक शिक्षक थे और राष्ट्रवादी थे। हीरा लाल जी गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी थे, इसीलिए छोटी सी उम्र में राम मनोहर लोहिया हीरा लाल जी के साथ गांधी जी से मिलने जाते थे, उनके भाषण सुनते थे और इसका उनके जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ा। बचपन से ही गांधीवादी विचारधारा के थे, पर उनके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव आया 1918 में, जब गुजरात में कांग्रेस महाधिवेशन हुआ और वो अपने पिताजी के साथ गांधी जी को सुनने गए। गांधी जी का वो भाषण उनके जीवन में इतना प्रभाव कर गया कि जीवन भर उन्होंने गांधीवादी का पालन किया। कोलकाता के विद्यासागर कॉलेज में बीए करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए वो बर्लिन गए जर्मनी में। वहां उन्होंने ब्रिटिश फिलोसॉफी पढ़ी। जर्मनी में उनके जीवन का एक बहुत प्यारा प्रसंग है जो मैं आपसे शेयर करता हूं। जर्मनी में एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जोम्बार्ड, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रोफेसर जोम्बार्ड को इंटरव्यू देने गए और उनके सब सवालों का अंग्रेजी में जवाब दे रहे थे। तब प्रोफेसर जोम्बार्ड ने कहा कि मुझे सिर्फ अपनी मातृभाषा जर्मन आती है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। और इस वक्त डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को अपनी मातृभाषा का कितना बड़ा महत्व है पता चला और इस महत्व को उन्होंने जीवन भर दर्शाया। बर्लिन में ब्रिटिश फिलोसॉफी पढ़ने के बाद डॉक्टर लोहिया ने पीएचडी की पढ़ाई की। पीएचडी उन्होंने नेशनल इकोनॉमी में लिखी और थेसिस लिखने का उनका बहुत ही प्यारा विषय था गांधी जी का नमक सत्याग्रह। लोहिया एक अलग ही विचारधारा के आदमी थे। वो किसी भी पुरुष को एक देश का नागरिक नहीं मानते थे, वो विश्व नागरिकता की बात करते थे। वो बोलते थे कि पूरा विश्व एक परिवार है और हम इसी परिवार के नागरिक। राम मनोहर लोहिया का अगर आप जीवन काल देखेंगे तो वो मुख्यतः 7 क्रांतियों की बात करते थे। पहली क्रांति, नर नारियों को समानता। आज हम 21वीं सदी में वुमन इंपावरमेंट की बात करते हैं, 1923 में राम मनोहर लोहिया वुमन इंपावरमेंट की बात करते थे। वो कहते थे पुरुष और महिला एक ही है, कोई भी किसी से कम नहीं। दूसरी क्रांति जिससे वो बात करते थे वो रंग भेद के खिलाफ। काला गोरा रंग भेद कुछ नहीं है, सब एक समान है, सबको एक समान ट्रीट होना चाहिए, ये राम मनोहर लोहिया हमेशा कहते थे। तीसरी क्रांति जिसके बारे में राम मनोहर लोहिया कहते थे वो जाति प्रथा के खिलाफ। राम मनोहर लोहिया को हमेशा यही विश्वास था कि कोई नीच जात का नहीं है, कोई ऊंच जात का नहीं है, इस सामाजिक ढांचे में सब एक समान है, सबको एक समान अवसर मिलना चाहिए, शिक्षा के, व्यवसाय के, अपने जीवन व्यापन करने के, सब जाति प्रथाओं को एक समान अधिकार मिलना चाहिए। चौथी क्रांति थी परतंत्रता के खिलाफ। राम मनोहर लोहिया मानते थे कि इंसान स्वतंत्र जन्मता है और उसे स्वतंत्र मृत्यु लेने का भी हक है, वो स्वतंत्र जीना चाहिए। पांचवी क्रांति थी आर्थिक समानता के लिए। राम मनोहर लोहिया समाजवादी थे और हमेशा मानते थे कि पूरे विश्व का या पूरे देश का पैसा एक ही समुदाय के पास नहीं रहना चाहिए, पर सब लोगों में सामूहिक रूप से डिवाइड होना चाहिए, सब लोग एक समान रहना चाहिए। उनकी छठी क्रांति थी लोकतंत्र स्थापना के लिए। लोकतंत्र मतलब उनका कहना था कि जो लोग देश पे राज करते हैं उनको जनता खुद ही चुने, वोट सिस्टम, डेमोक्रेसी, उसका वो हमेशा सपोर्ट करते थे। उनकी सातवीं क्रांति थी अस्त्र शस्त्र निरस्त के लिए। वो कहते थे कि जब हम विश्व के नागरिक हैं तो किसी भी देश को अस्त्र शस्त्र क्यों बनाने हैं। के जीवन का एक और सुंदर प्रसंग है, जब अंग्रेज लोग भारत छोड़ के जा रहे थे तब बहुत सारे ऐसे छोटे स्टेट्स थे जिसमें विदेशी लोग राज कर रहे थे, जैसे गोवा। गोवा में उस समय पुर्तगालियों का शासन था। लोहिया जी का मानना था कि भारत को स्वतंत्रता पूर्ण रूप से मिलनी चाहिए। उसके लिए लोहिया जी गोवा गए और पुर्तगालियों को वहां से निकालने में बहुत संघर्ष किया और आखिर में पुर्तगालियों को वहां से निकालने में सक्षम भी हुए। इसके लिए बहुत नेताओं ने उनकी निंदा भी की, पर गांधी जी ने उनका उस समय समर्थन किया, गांधी जी उनके साथ डटे रहे। इससे पता चलता है कि गांधी जी और लोहिया जी के बीच में कितना एक मधुर संबंध था।
फिर वो सुनहरा समय आया जब देश आजाद हुआ। नेहरू जी स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और भारत को विकास की दिशा में ले जाने लगे। पर कुछ समय बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि नेहरू जी गांधीवादी विचारधारा को भूल गए और एक नई विचारधारा के साथ देश को आगे बढ़ा रहे हैं। ये समाजवादी लोहिया को पसंद नहीं आया और उन्होंने कांग्रेस से अपनी दूरियां बढ़ा ली। एक समय ऐसा आया जब लोहिया जी को लगा कि नेहरू जी भारत को जिस दिशा में ले जा रहे हैं वो सही नहीं है। उन्होंने 1967 में कांग्रेस के खिलाफ पूरे देश में प्रचार प्रसार किया और उसी समय वो एक और महानायक से मिले जो बिहार में कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ प्रचार प्रसार कर रहा था और वो नायक थे जयप्रकाश नारायण। अभी तक हमने राम मनोहर लोहिया जी के जीवन के बारे में उनके जीवन की घटनाएं सुनी, पर राम मनोहर लोहिया जी के जीवन में बहुत सारी ऐसी अधूरी घटनाएं भी हैं जो अगर पूर्ण होती तो आज भारत का राजनीतिक समावेश कुछ अलग ही होता, परिस्थितियां कुछ अलग ही होती। मैं उन तीन घटनाओं के बारे में आपको बताता हूं। पहली घटना जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो है 28 जनवरी 1948 को। इस दिन महात्मा गांधी ने लोहिया जी को अपने पास बुलाया और कहा, लोहिया भारत जिस दिशा में जा रहा है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं और इस विषय पर मैं तुमसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। तय ये हुआ कि दूसरे दिन सुबह दोनों इस विषय पर चर्चा करेंगे। राम मनोहर लोहिया उन्हीं के घर पे रुके और रात को दोनों एक ही कमरे में सो गए। जब राम मनोहर लोहिया सुबह उठे तो लेट हो चुकी थी। उन्होंने बापू से पूछा कि बापू आपने मुझे सुबह उठाया क्यों नहीं, और बापू ने कहा कि तुम इतनी गहरी नींद में सो रहे थे कि मैंने तुम्हें उठाना सही नहीं समझा, अपने कल इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप तारीख के ध्यान दीजिएगा, 28 जनवरी 1948 को दोनों मिले, 29 जनवरी को दोनों चर्चा करेंगे तय हुआ था, पर चर्चा नहीं हो पाई। बापू ने उन्हें 30 जनवरी 1948 को वापस बुलाया। जी हाँ, 30 जनवरी 1948 को जब लोहिया बापू के घर की तरफ जा रहे थे तब यह समाचार आया कि बापू नहीं रहे, बापू की हत्या कर दी गई। दूसरा प्रसंग जिसकी मैं बात करना चाहूंगा वो है 1956 का। 1956 में लोहिया सोशलिस्ट पार्टी के बैनर तले भारत के विभिन्न राज्यों में भ्रमण कर रहे थे। तब उनके मन में विचार आया, समाज का वो वर्ग कहाँ है जो सबसे पिछड़ा हुआ है, जो सबसे नीचे है, उसे आगे लाने की आवश्यकता है। इसके लिए वो मिलने गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारत के संविधान के रचयिता है। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कांग्रेस की नीतियों से परेशान थे। दोनों मिले, घंटों चर्चाएं की और ये निर्णय किया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस विषय पर भारत की सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करेंगे और विषय को आगे लेके जाएंगे। पर इतिहास को यह मंजूर नहीं था। 6 दिसंबर 1956 को भीमराव अंबेडकर का निधन हो गया और ये घटना भी राम मनोहर लोहिया जी के जीवन में अधूरी रही। राम मनोहर लोहिया के जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण। मैं वापस आऊंगा एक और महापुरुष के जीवन से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर। तब तक जय हिंद।